हेलो फ्रेंड्स, आरएस ब्लॉग चैनल में आप लोग का स्वागत है। अभी तो दुनिया में लगता है कि इंसानियत ही खत्म हो गया। जो एक केरला का गर्भवती हथिन थे उसके बारे में फ्रेंड लोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी दुनिया में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। खुद की जान तो बहुत प्यारी लगती है और दूसरे को जान तो उनको नॉर्मल लगता है, कुछ नहीं है ये लगता है। ये जो लोग बेजुबानों पे जुल्म कर रहे हैं और प्रकृति के खिलाफ जा रहे, तो इनको भगवान भी माफ नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे काम करते कि ये दुनिया ही पूरा शर्मिंदा हो जाते हैं। फ्रेंड लोग, आप लोग को बताता हूँ कि एक्चुअली ये हुआ क्या था। तो जो ये केस है, कहने लगा केस है, एक हथिनी था जो खाने के तलाश में गांव की ओर चले आ गए थे। तो बहुत गांव वाले ने देखा तो खाना बोल के हथिनी को दिया, तो हथिनी भी खा लिया। तो एक्चुअली वो खाना बोल के जो दिया था गांव वाले ने, उसके अंदर पटाखा मिक्स किया था। तो वो हथिनी खाते ही वो मुँह में फट गया, तो और हथिनी जख्मी हो गया। तो जख्मी होके वो पानी में चली गई। वो हथिनी का मुँह में पटाखा पटकने से हथिनी बहुत जख्मी हुए थे। तो बहुत देर तक हथिनी पानी में रही। तो वन विभाग के लोग भी आए तो तब तक तो हथिनी का मौत हो चुका था। तो इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, खुद की जान ही उनको बहुत बड़ी लगती है और दूसरे के जान उनको कुछ नहीं लगते। तो ऐसे लोग को तो सजा मिलना चाहिए। मैं एक साथ बोलना चाहता हूँ, चलो कोई बोल रहे होंगे गांव वाले को, डर गए होंगे, क्या पता गांव वाला के कुछ नुकसानी करने के लिए आते आया होगा। तो ऐसा नुकसानी ऐसा कुछ कर तो नहीं रहा था, क्योंकि वो नॉर्मल हिसाब से खाने के तलाशी से आई थी। इसलिए वो गर्भवती हथिनी खाने के तलाश में गांव में आई थी। तो अगर गांव वाले को ऐसा कुछ खतरा लगता था तो वो वन विभाग वाले को भी कॉल करके बोल सकते थे, हमारे इधर गांव में हथिनी आया है, क्या करना है, कुछ जानकारी आप ऊपर तक भेज सकते थे। तो ऐसा वो लोग ने किया नहीं, वो खुद का डिसीजन लिया और हथिनी को खाना बोल के दिया, तो उसमें पटाखा डाल के दिया जो पटक गया। तो ऐसे ही हथिनी का मौत हो गया। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिसपे दया, इंसानियत, भला बोल के कोई चीज ही है ही नहीं। तो खुद की जान तो वो लोग को बहुत बड़ी लगती है। हाँ, मेरी जान बोलते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, भगवान मुझे बचा लेना। मैं तो ये बोलता हूँ कि अपनी जान देखने से पहले किसी और के भी जान देखा करो। उतना ही आपका जान प्यारी है, उतना ही और का भी जान प्यारा है। बेजुबान बोल के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकते हो। अगर आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो तो आपके ऊपर भी प्रकृति के खिलाफ जाएगा। जब किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करिए। बेजुबान बोल के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। जितना जान आपको प्यारी है उतना वो बेजुबान जानवर की भी जान प्यारी है। जान सबकी प्यारी होती है। तो इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि प्रकृति के खिलाफ ऐसे प्लीज मत जाइए, ऐसा कुछ भी काम मत करिए। ऐसा अगर कुछ भी होता है, ऐसा आपको डर लगता है या आपको ऐसा खतरा लगता है, तो आपको नजीक के गवर्नमेंट ऑफिस में आपको कॉल करना चाहिए। ऊपर तक कॉल करके बताना चाहिए कि हमारे गांव में ऐसा हुआ है। डायरेक्ट प्लीज ऐसा खुद का एक्शन मत लीजिए, खुद का डिसीजन मत लीजिए। प्लीज प्लीज ये बंद कीजिए। जान जानी होता है, चाहे आप हो चाहे वो बेजवान जानवर हो। मानव बनिए, दानव मत बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।